how a criminal thinks, then you really don't know how you can protect yourself online. And they can impersonate that person enough just by changing the pitch and the modulation of their voice. Anybody can be hacked. Guys, देखो scams जो है वो हमारे चारों तरफ जो है फैले हुए हैं, तो hackers जो है वो नित नए ideas का इस्तेमाल करके scam करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि hackers के पास एक new method आया है scam करने का, जिसका नाम है AI, यानी कि artificial intelligence की मदद से hackers जो है वो नए scams जो है बहुत सारे लोगों के साथ कर रहे हैं। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। आज हम इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कैम्स के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में। गाइस, पुराने वक्तों में ये होता था कि जो हैकर्स थे वो नॉर्मल रेंज के ऊपर स्कैम करते होते थे। किसी का सिम कार्ड हैक कर लिया, किसी का मेमोरी कार्ड हैक कर लिया, किसी की कुछ इन्फॉर्मेशन हैक कर ली, किसी के जीमेल की आईडी जो है उसको हैक कर लिया, जस्ट सिंपल मेथड के साथ। लेकिन आज के दौर में जो AI के इस्तेमाल के साथ स्कैम हो रहा है वो बहुत ही मास्टर लेवल में हो रहा है। तो आज आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। ईच इन एवरीथिंग आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। गाइस, सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि स्कैम होता कैसे है और स्कैम में कैसे लोग फंसते हैं। मींस के देख लें कि इसके जो प्रॉपर मेथड हैं वो किस हिसाब से होते हैं, कैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप लोगों के साथ स्कैम कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम एक चीज़ की बात करें तो हैकर जो हैं वो कोई लालच देके आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। हैकर जो हैं वो किसी किस्म की हैकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके, जिसके बारे में आपको ना पता हो, जैसे कि MDM होता है, मैनेजमेंट डिवाइस, ठीक है, तो उसके थ्रू भी आपके जो सिस्टम है या मोबाइल है उसको वो हैक कर सकते हैं। तो ऐसे तीन चार जो हैं वो ऑप्शंस होते हैं कि जिसकी मदद से जो हैकर्स हैं वो आपकी सिस्टम को और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका डेटा, ईच एंड एवरी थिंग को हैक कर सकते हैं या अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो कई बार ये जो हैकर्स होते हैं वो आपको एक ब्राइट जॉब की ऑफ़र देते हैं, तो वो कहते हैं जल्दी से आप इस चीज़ में अप्लाई कर लें तो आपकी जॉब जो है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जल्दी से अप्लाई करने के लिए उस साइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे आपको एक पॉपअप मिलता है जिसको लिंक बोलते हैं, ठीक है, वो लिंक आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में ऑटो इंस्टॉलेशन हो जाती है MDM की, और कभी कभार आपके बैंक ऑपरेटर की तरफ से आपको कॉल आती है और कहते हैं कि आप अपने पिन को वेरीफाइड कर लें या अपडेट कर लें। तो आप जल्दी से करंट सिचुएशन में अपनी पिन को वेरीफाई करते हैं, जिसके साथ आपका बैंक अकाउंट जो है वो हैक हो जाता है और किसी और की कंट्रोल में चला जाता है। तो देखते देखते आपका बैंक बैलेंस जो है वो जीरो हो जाता है। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के थ्रू जो स्कैम हो रहा है वो बहुत ही इमोशनली स्कैम है, जिसकी मदद से जो है लोग फ़ायदा उठाते हैं लोगों के इमोशनल्स का, तो करते हैं आपके साथ स्कैम, जिसके बारे में आपको बाद में पता चलता है और कभी कभार तो इस चीज़ का पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो हैकर्स हैं वो AI स्कैम के लिए दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक चीज़ को इमेजिन करें कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आपको एक कॉल आती है, और वो कॉल जो है उस पर्सन की आती है जिसके आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं या काफ़ी ज़्यादा उसके साथ आपकी बाउंडिंग है। और फ्रेंड्स, आप कॉल अटेंड करते हैं और करने के बाद आप बातचीत जो है उसको स्टार्ट करते हैं। बातचीत नॉर्मल वे में हो रही है, अच्छे तरीके से हालचाल, ये वो चीज़ें, आप अच्छे तरीके से उनसे बात कर रहे हैं। और बातचीत के दौरान ही वो आगे वाला जो बंदा है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं वो क्या करता है, आपसे हेल्प मांग लेता है। तो यहाँ पर कुछ भी नकली नहीं है, ये ओरिजिनल ही है। तो आपसे वो हेल्प मांगता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू नो कि वो आपकी पिक्चर्स भी मांग सकते हैं, वो कुछ पैसे मांग सकते हैं, ठीक है, जो कि पर्सनल हो सकती हैं आपकी। तो आप क्या करेंगे, वो डिपेंड्स ऑन योर बॉन्डिंग, ठीक है, कि आपके उसके साथ किस हिसाब से जो है वो आपका रिलेशनशिप है। तो आप अच्छे तरीके से मतलब उसको फीडबैक देंगे और आप पिक्चर्स सेंड कर सकते हैं, पैसे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल को रख देंगे। बट ऐसा है कि जिस बंदे ने आपको कॉल की थी, जिससे आपकी बात हुई, जिसको आपने कुछ पैसे सेंड किए या आपने अपनी पिक्चर सेंड की, या जिसके साथ आपकी बहुत ही अच्छी क्लोजिंग थी और आपने उसकी अभी अभी हेल्प की है, तो बाद में आपको पता चले कि वो इंसान था ही नहीं, वो आपका दोस्त था ही नहीं, वो आपका रिलेटिव था ही नहीं, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक इंसान बनाया गया था और उसने आपको कॉल की। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं AI आर्टिफिशियल वॉइस इंटेलिजेंस की। तो गाइज, यहाँ पे जो हैकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो AI की मदद से आपका जो क्लोज फ्रेंड है उसका एक ह्यूमन जो है एक इंसान बनाते हैं अपने लैपटॉप में और उसको आवाज़ देते हैं हूबहू, जो कि आपका फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या कोई और पर्सन है। तो उसकी मदद से फिर वो जो आपके पास नंबर ऑलरेडी उनका सेव्ड होता है, उस
नंबर को हैक करके आपको कॉल की जाती है उसके थ्रू। जो फ्रेंड्स यहाँ पे हैकर्स क्या करते हैं, वो एआई की मदद से एक वॉइस जनरेट करते हैं जो कि आपकी डीप क्लोज फ्रेंड की होती है। वो रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। तो वो क्या करते हैं, जो उनके पास नंबर सेव्ड होता है, जो जैसे कि उनका सिम कार्ड हो जाता है या कोई भी ठीक है व्हाट्सएप की आईडी हो जाती है, तो वो उसके थ्रू जो है आपसे रब्ता करते हैं, आप कॉल अटेंड करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, तो आपको यही फील होता है कि आपका वो फ्रेंड है और उसकी रियल वॉइस है। लेकिन यहाँ पे जो है वो एआई की मदद से जनरेट किया हुआ एक इंसान है जो कि रियलिटी में ना तो आपका दोस्त है, ना आपका फ्रेंड है, ना आपका कोई फैमिली मेंबर। Elizabeth, sorry, need my passport number because the Ukraine trip is on. Can you read that out to me? So I use something called a spoofing tool to actually be able to call you as Sharon. There's so I was hacked and I failed hacking. No. Everybody would get tricked with that. Yeah. Everybody. तो ऐसे आप इस स्कैम में जो है वो फंस जाते हैं। हो सकता है कि बाद में आपको इस चीज़ का पता चल जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि आपको उसी वक्त सडन सिचुएशन में इस चीज़ के बारे में पता चले। सो गाइज, हैकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। AI जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है एडवांस लेवल के ऊपर जाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक छोटी सी वॉइस का सैंपल लेते हैं और AI के थ्रू जो है उस चीज़ को प्रॉपर डिटेक्ट कर लिया जाता है, बना लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि आपकी या वॉइस का छोटा सा सैंपल AI अपने पास लेता है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ को और आप समझ लें कि जो AI के थ्रू वॉइस आपको सुनाई जा रही है, ठीक है, आप उसके साथ बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड को समझ के, ठीक है, वो आपसे अगर डेटा मांग लेता है तो बाद में डेटे के थ्रू आपको ब्लैकमेल कर सकता है। अगर आपके बैंक की पिन कोड मांग लेता है तो वो बाद में आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है वो फिनिश कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस में आपको फंसाया जा सकता है। तो बी केयरफुल, किसी के साथ भी हेल्प करने से पहले प्रॉपर जो है इस चीज़ की इंफॉर्मेशन ले लें कि आप उससे रियल पर्सन में बात कर रहे हैं। किसी की भी हेल्प करने से पहले आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर लें कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, वो आगे से रियल पर्सन है या कोई फेक है या कोई हैकर है। तो थोड़ी सी आप वेरिफिकेशन कर लें, देन उसके बाद आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट के ऊपर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर कोई कॉल आती है, आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है पैसों की और वो कहता है कि जल्दी से आप इस चीज़ को कर दें, नहीं तो यही मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने सिंपली उसकी वेरिफिकेशन करनी है, आपने कॉन्टैक्ट्स में जाना है, अपने अगर सेकंड नंबर है आपके पास, आपने उससे कॉल करनी है या उससे मैसेज करना है उस नंबर के ऊपर जो कि आपके पास ओरिजिनली सेव्ड है ऑलरेडी मोबाइल में। तो पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप उस बंदे की हेल्प करें या अपनी इन्फॉर्मेशन आप उसको दें या अपना प्राइवेट डेटा आप उसको दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्सन पाकिस्तान में हैं या आउट ऑफ कंट्रीज़ में हैं उनकी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड वीडियोज़ मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह।